अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सोलर पावर रिक्वायरमेंट फॉर हाउस, यानी कि अगर हम अपने घरों पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से अपने घर की जो टोटल लोड है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितने किलोवाट की जो सोलर है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, अगर आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो दोस्तों, अगर आप सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर पर जितनी भी बिजली की चीज़ें हैं उसे देखना होगा और उसे गिनना होगा। कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 3 फैन है, दोस्तों मान लीजिए मेरे पास 3 फैन है जिसमें से एक फैन कितना वाट लेता है, 60 वाट। तो दोस्तों, इसे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपके जितने भी फैन हैं उसे उसी हिसाब से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। दोस्तों, अब ये फैन कितने घंटे मैं यूज़ करता हूँ, तो दोस्तों इस फैन को मैं टोटल मान लीजिए 18 घंटे यूज़ करता हूँ, तो मैं इसे 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों, उसके बाद मेरे पास आ जाता है टीवी। दोस्तों, मेरे घर पर एक टीवी है, दोस्तों टीवी मैक्सिमम 50 वाट ले लेता है, तो दोस्तों इसे मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोस्तों, अब ये टीवी मेरे घर में कितना देर चलता है, कितना देर ऑपरेट होता है, तो ये टीवी मेरे घर में टोटल 8 घंटे चलता है। दोस्तों, इसे आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप कितने घंटे चलाते हैं और आपका टीवी कितने वाट का है। तो दोस्तों, ये जो मेरा टीवी है 50 वाट का है और ये मैक्सिमम 8 घंटे मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। दोस्तों, उसके बाद आ जाता है हमारा LED बल्ब। तो दोस्तों, मेरे घर पर टोटल 5 LED बल्ब हैं। दोस्तों, LED बल्ब अब वाट के हिसाब से होता है। दोस्तों, मेरे पास जो LED बल्ब है वो 12 वाट के हैं, तो मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसे मैं कितना देर यूज़ करता हूँ इस LED बल्ब को, मैं मैक्सिमम 10 घंटे यूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों, उसके बाद मेरे पास आता है आयरन, यानी कि इस्त्री। दोस्तों, जाहिर सी बात है इस्त्री एक ही होगी, तो मेरे पास एक आयरन मौजूद है। दोस्तों, आयरन आपको पता है मैक्सिमम 1000 वाट का होता है। दोस्तों, इस आयरन को भी मैं मैक्सिमम एक ही घंटा यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे पास मेरे घर पर अभी टोटल चीज़ें मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपके पास अगर और भी चीज़ें हैं तो उसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेटर है, तो आपको अपना रेफ्रिजरेटर का सबसे पहले वाट चेक करना होगा और आपको मालूम है कि रेफ्रिजरेटर कंटिन्यूस नहीं चलता है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लगा लेना है कि आप उसे कितने घंटे यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं ये जो हमारा 3 फैन है इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोस्तों, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है, मैंने पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये मेरा आंसर आएगा 3240। दोस्तों, ये जो हमारा LED बल्ब है इसका हमारे पास आंसर आएगा 400, और ये सॉरी जो टीवी है इसका आंसर आएगा हमारे पास 400, और जो हमारा ये LED बल्ब है इसका जो हमारे पास के मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो 600, और जो हमारा आयरन है वो 1000 का 1000 ही रहे। तो दोस्तों, ये मेरे पास सबका आंसर आ चुका है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर जो यूनिट लगेगी वो WH की यूनिट लगेगी, यानी कि वाट पर हार। दोस्तों, वाट, अब WH कहाँ से आया? दोस्तों, ये हमारे पास जो मौजूद है ये 60 वाट मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास W मौजूद है और हमारे पास यहाँ पर H यानी कि हार, W और H, यहाँ पर वाट मौजूद है और यहाँ पर घंटा मौजूद है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास WH आता है। दोस्तों, अब इसे हम टोटल करके प्लस करके यहाँ पर आंसर को लिख देंगे। दोस्तों, इन सब को प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है 5240 WH, यानी कि हमारे घर की जो टोटल लोड है वो WH 5240 WH। दोस्तों, अब हमारा जो सोलर होता है वो आपको मालूम है कि किलोवाट में होता है, तो इसे हम किलोवाट पर कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों, इसे किलोवाट पर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? दोस्तों, इस 5240 को हमें 1000 से डिवाइड कर लेना है, यानी कि जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये किलोवाट पर हार पर आंसर आ जाएगा। तो इसे जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5.24 kWh, तो ये हमारे पास किलोवाट पर हार में कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों, अब हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितनी किलोवाट की सोलर की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया है आंसर हमारा, कि जो हमने सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करके जो डिवाइड किया था, यानी कि हमारा जो टोटल प्लस करने के बाद आया था वो 5240, इसे हमने 1000 से डिवाइड किया। 1000 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमारा जो आंसर था वो WH में था, यानी कि वाट पर हार में था, तो हमारा जो सोलर होता है वो किलो वाट पर हार में होता है, इसलिए हमने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो आंसर है वो किलो वाट पर हार पर आ गया है। दोस्तों, अब हमें कितने किलो वाट का सोलर यहाँ पर यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमारे पास जो सोलर प्लेट मौजूद होती है वो हमें मैक्सिमम 1.5 किलोवाट पर आवर का यूज़ करना है। तो दोस्तों, अब 1.5 का क्यों यूज़ करना है? तो दोस्तों, मान लीजिए आपका एक सोलर है, इस पर अगर 4 घंटे मैक्सिमम धूप पड़ती है, यानी कि ठीक तरीके से अगर इस पर 4 घंटे धूप
पड़ती है, तो हमारा जो ये जो सोलर है ये मैक्सिमम 6 किलोवाट की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर लेगा, क्योंकि हमारा जो लोड है वो 5.24 किलोवाट है। दोस्तों अगर आप इस पे और भी लोड ऐड करेंगे तो मान लीजिए आपका जो लोड है वो 5.5 किलोवाट पर आवर आ रहा है या फिर 6 किलोवाट पर आवर आ रहा है। तो दोस्तों आपके लिए मैक्सिमम 1.5 किलोवाट का सोलर जो है वो काफ़ी रहेगा, क्योंकि अगर इस पर 5 घंटे यानी कि 5 आवर जो है मुसलसल धूप पड़ती है, या 4 घंटे मुसलसल धूप पड़ती है, तो ये 4 घंटे में 6 किलोवाट पर आवर की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर लेगा, और अगर 5 घंटे इस पर धूप पड़ती है तो ये जो है 7.5 kWh की जो एनर्जी है वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर लेगा, और हमारा लोड सिर्फ यहाँ पर 5.5 या मैक्सिमम हद से हद 6 किलोवाट है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 1.5 किलोवाट की सोलर जो है वो काफ़ी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सोलर है वो सिर्फ 4 से 5 घंटे अगर इस पर धूप लगती है, यानी कि 1.5 किलोवाट का सोलर है तो इस पर सिर्फ 4 से 5 घंटे धूप लगने पर 6 किलोवाट या फिर 7.5 किलोवाट की जो एनर्जी है ये प्रोड्यूस कर ले रहा है, और हमारा जो लोड है वो सिर्फ 5.24 से लेके 6 किलोवाट पर हार के तक है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 1.5 का सोलर काफ़ी रहेगा। तो दोस्तों अगर इस सोलर पर और देर तक धूप पड़ती है, यानी कि मान लीजिए आपका जो सूरज है वो 8 घंटे या 7 घंटे निकलता है, तो आपकी जो किलोवाट है वो और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने घर की जो बिजली की चीज़ें हैं उसको देख लेना है, जैसे कि फ़ैन, LED बल्ब, आयरन और TV वगैरह। तो दोस्तों उसे आपने देख लिया, अब उसकी जो वाट है उसे आपको चेक करना है, यानी कि कौन सी चीज़ें कितनी वाट ले रही है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक की कोई भी कंपोनेंट देखनी है, उसके बाद आपको उसकी जो है वाट कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आप उसे कितने देर यूज़ करते हैं मैक्सिमम वो आपको कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद यानी कि आपको आर को कैलकुलेट करना है, उसके बाद दोस्तों उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है, वाट को और हार को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो WH में आएगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आया था। दोस्तों अब हमारा जो सोलर है वो किलो वाट में होता है, तो इसे हमें किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए उसे यहाँ पर डिवाइड कर लेना है, यानी कि 1000 से डिवाइड कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। दोस्तों उसके बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो किलो वाट पर हार पर आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपको अपने वाट के हिसाब से सोलर को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों सोलर को कैसे सिलेक्ट करना है, आपने 1 से शुरू करना है या 2 से शुरू करना है, और आपको देखना है कि आपका जो धूप है वो मैक्सिमम कितने देर तक सोलर पर लग रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, मेरा जो सोलर पर धूप लग रहा है वो 1.5 किलो वाट का सोलर है, उस पर अगर 5 घंटे धूप लगता है तो हमारा जो सोलर है वो हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस कर ले रहा है, एनर्जी बना ले रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा और आपको बात समझ आ गई होगी कि आपको किस तरीके से सोलर पैनल की कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।